नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के जमाने के अंदर किसी पर दया करना कितना बड़ा पुण्य का काम है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एक किसी आदमी का अपने ही जिस्म के खून को दे देना, और वो भी एक मुस्लिम महिला के लिए, कितने मतलब हमें खुशी और हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो एकता है उसका प्रतीक बनते हैं ऐसे लोग जो ये नहीं देखते कि किस धर्म जाति को देखते हैं। जबकि आज के जमाने के अंदर हर आदमी के दिमाग के अंदर एक अजीब बात पैदा हुई हुई है जो कि राजनीतिक होती है, मैं उस मुद्दे पर नहीं लेना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हमारे पास में ऐसे मौजूद हैं जो कि अपने तरीके से हम एक पेशेंट को जो आवश्यकता पड़ी ब्लड की, और ये हमें नहीं जानते थे, हमने इनको टेलीफोन पर ही एग्री किया कि साहब हमें ब्लड की जरूरत है, और ये बगैर किसी बात को और बगैर किसी जात पात को या किसी ऊंच नीच को या हिंदू मुस्लिम को समझते हुए ब्लड देने के लिए आए हैं और इन्होंने ब्लड दिया है। हम पूछना चाहते हैं, विजय कुमार जी, आप ने जो ब्लड दिया है तो आप कितनी बार दे चुके ब्लड? तो अक्सर देता रहता हूँ, जब फोन किसी का आता आवश्यकता तो देते हैं। अच्छा, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हमारे चाचा जी की डायलिसिस हुआ करती थी पहले, हम उनके लिए दिया करते थे, उसके बाद फिर हमने बंद ही नहीं किया, वो एक्सपायर हुए हम देते रहे उसके बाद। अच्छा, जैसा कि अभी आपने ब्लड दिया है तो जो जनता हमें देख रही है उसके लिए पूछना ही चाहते हैं कि क्या कुछ जैसे लोगों में दहशत होती है, डर होता है, क्या ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं, ये तो फिर बन जाता अपने आप की देन है। अच्छा, कोई ऐसा बात नहीं कि जिससे कि आदमी डरे? हम तो अपने अक्सर परिवार वाले ही बच जाते हैं और अजीब अजीब बातें करते हैं, कोई जानकारी का अभाव है। लेकिन आपका जिस पेशेंट को आप खून दे रहे हैं उसका तो आपसे कोई दूर दूर तक भी जानकारी नहीं थी। हम तो इंसानियत के नाते, आप जब भी किसी का फोन आता है 3 महीने का टाइम निकल जाए उसके बाद फिर हम चले जाते हैं जब कोई बुलाता है, क्योंकि 3 महीने में। तो ये थे विजय कुमार जी और आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज। आप देखते रहिए इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर, पूरी खबर।